हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीता। गीताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बिना किसी मिट्टी के चूल्हे के या आग के शकरकंदी को कैसे उबाला जाए स्वाद में बिल्कुल वैसा ही जैसा कि चूल्हे में भुनी हुई शकरकंदी जो कि हम पहले ज़माने में खाते थे। बहुत ही मीठी बन के तैयार होती है और बनने में तो बहुत ही कम समय लगता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चार शकरकंदी ली हैं। आप जितनी भी बनाना चाहते हैं आप उतनी बना सकते हो। तो मैंने इसे अच्छे से धो लिया था और कपड़े से पोंछ भी लिया है। और इसके ऊपर हम लगा देंगे घी। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से जो है शकरकंदी पे घी लगा दूंगी। इससे क्या है, शकरकंदी बहुत ही बढ़िया जो है भुनती है और छिलका भी इसका जमता नहीं है। तो हल्का हल्का हम बाहर की तरफ जो है ऑयल लगा देंगे। इस तरीके से चारों तरफ मैंने हल्का हल्का ऑयल लगाना, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लगाना आपको इस तरीके से। तो चारों शकरकंदियों को मैंने ऑयल लगा दिया है और गैस पे मैंने अब कुकर रखा हुआ है और हल्का सा जो ऑयल है मैं गैस के तले पे भी लगा दूंगी। जस्ट हल्का सा, इतना सा ब्रश आपने लगाना है। और इसमें हम रख देंगे शकरकंदियाँ जो हमने जिनको हमने ऑयल लगाया हुआ है हल्का सा। इस तरीके से मैंने चारों शकरकंदियों को इसमें रख दिया है। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे एक अखबार का कागज़। तो इस तरीके से मैंने एक पेपर ले लिया है और इसे मैं अच्छे से चारों तरफ से शकरकंदियों को ढकते हुए इसको स्प्रेड कर देंगे। इस तरीके से हमने इसको लगा देना है और इसके ऊपर हम पानी जो है छिड़क देंगे हाथ से। तो मैंने थोड़ा सा पानी लिया है इस तरीके से और थोड़ा सा मैं इसी तरीके से और ले लूंगी, ज्यादा नहीं लेना आपको। और कुकर का हम ढक्कन लगा देंगे। और इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम करते हुए पकाना है, यानी कि जब तक विसल ना आए, यानी विसल आने से पहले ही हमें गैस को बंद कर देना है। तो विसल नहीं आनी चाहिए और बिल्कुल लो फ्लेम मैंने कर दी है। तो चलिए इसे पकने देते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए कुकर में जो है प्रेशर बनना शुरू हो गया लेकिन विसल नहीं आई। इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, गैस को हमने बंद कर दिया था और कुछ देर के बाद हम ढक्कन खोल के देखते हैं कि हमारी शकरकंदी जो है पक के तैयार हो गई है या नहीं। तो इस अखबार को मैं निकाल देती हूँ। तो देखते हैं इसे निकाल के। तो फ्रेंड्स, देखिए शकरकंदी जो है हमारी बहुत ही बढ़िया जो है पक चुकी है। हल्का सा चाकू या फिर चम्मच की सहायता से प्रेस करके देख लेते हैं। देखिए आसानी से ये चाकू अंदर जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। और बिना जले जो है शकरकंदी तैयार हुई है और खाने में तो ये बहुत ही मीठी होती है। तो चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और मैं इसे काट के आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है शकरकंदी को उबालने का। बिना पानी के स्टीम में हल्का हल्का ये भून के तैयार हो जाती है और खाने में तो ये बहुत ही मीठी होती है। तो फ्रेंड्स, सारी शकरकंदी हमने निकाल ली है, मैं आपको ये काट के दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया जो है पक के तैयार हुई है और बहुत ही मीठी होती है। आप इसे गर्मा गर्म खाएं, इसका छिलका उतार के आप इसको चटनी या फिर इसमें नींबू या मसाले या फिर अगर ऐसे भी खाते हैं तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और पौष्टिक तो ये होती है। सर्दियों के मौसम में आप इसे ज़रूर खाएं, बहुत ही फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, शकरकंदी को आराम से मैंने उबाल लिया है बिना पानी, बिना झंझट के, बिना ही चूल्हे के। और खाने में इसका स्वाद बिल्कुल ही मिट्टी के चूल्हे की तरह आएगा। आप इसे ज़रूर बनाएं। और अगर आपको मेरी ये टिप
या रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।